देश के अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है और हाईटेक ट्रेन आने वाली है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? जहाँ हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, आज भी जानवरों की तरह स्लीपर क्लास से भी बदतर उसके अंदर भर के जाते हैं, रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा और मैंने बार बार हर जगह कहा है ये बात। आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, ये एक सपना है, कुछ नहीं है। क्या डिजिटल इंडिया है? लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है। 3 लाख लोग हमारे यहाँ हर साल भूख से मर जाते हैं। 40 करोड़ लोगों को देश में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है। 20 लाख लोग प्रदूषण से मर जाते हैं। ये सारी लेटेस्ट रिपोर्टें हैं। इन सब हालात के बावजूद आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, और जब से आपने नोटबंदी की है और उसके बाद डिजिटल इंडिया का जो राग आप अलाप रहे हैं, आप जरा देखें, डिजिटल इंडिया से ज्यादा लोग बिना उसके काम कर रहे हैं। केवल मोबाइल हाथ में आ जाना ही डिजिटल इंडिया नहीं है। जब कैशलेस की आप बात कर रहे थे और डिजिटल इकोनॉमी की आप बात कर रहे थे, लोग आज की तारीख में जब से नोटबंदी की है, लोग कैश में ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं। जितना काम पहले कैश में होता था, उससे ज़्यादा कैश में आज की तारीख में काम हो रहा है। तो कहाँ डिजिटल इंडिया बनना है? दूसरी बात, आप जिस हाईटेक ट्रेन की बात कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा आप जो लगा रहे हैं कि अहमदाबाद से लेके और मुंबई तक जो ट्रेन चलाने की, आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा आप लगा रहे हैं, आप पहले इस देश में, आपने बिल्कुल सही कहा, जो भूस की तरह भर दिए जाते हैं, ठूस दिए जाते हैं, वो लोग जो ट्रेनों में, जनरल डिब्बों में अपनी ज़िंदगी जो है यहाँ से वहाँ तक गुजार रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, पहले आप उसको ठीक करें। पहले हमें उसको ठीक करना है। ये हमें डिजिटल इंडिया, ये जो हाईटेक जो ट्रेन हमें करनी है, बुलेट ट्रेन करनी है, और किसके लिए कर रहे हैं आप? कितने लोग उसमें सफर करेंगे? जिस रूट पर आप इस हाईटेक ट्रेन की बात कर रहे हैं, उस रूट पर वर्तमान समय में जितनी सुपरफास्ट ट्रेनें चल रही हैं, उनमें आज की तारीख में 40% सीटें खाली होती हैं, और जिससे हर महीने करोड़ों रुपए का, एक अंदाजा है कि हर महीने लगभग 30 करोड़ रुपए का नुकसान रेलवे को हो रहा है। तो पहले आप उन्हीं को पूरा कर लो। और जिस रूट की बात है, वहां बहुत अच्छी अच्छी प्लेन सर्विसेज हैं, तो इस हाईटेक की क्या जरूरत है? मात्र आप 3-4 हजार लोगों के लिए 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, और जो बाकी लोग इतने हैं भूखों से मर रहे हैं, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, महंगाई जो है सारी सीमाएं पार कर रही है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। मैं मानता हूं कि इसमें भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला होगा। आज नहीं, जब कभी इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता लगेगी कि सारी हरकतें क्या हैं, कहानी क्या है इसके पीछे। कहीं कोई हाईटेक कुछ नहीं है, कहीं कोई डिजिटल इंडिया नहीं है, और इन सारे सपनों से बाहर निकल के जमीन पे अगर लोगों के लिए काम करे सरकार, तो शायद अच्छा होगा। आपसे एडवोकेट भानु प्रताप जी, इन्होंने बताया कि देश को बुलेट ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे स्लीपर क्लास भी लोगों को मिल जाए तो बहुत है, रेलवे स्टेशन पे टॉयलेट बाथरूम वगैरह जैसी सुविधाओं का भी वो नहीं है। इस देश के अंदर सबसे पहले इन चीज़ों की ज़रूरत है, ना कि बुलेट ट्रेन की।